विधायक जी तो खैर बात ही नहीं करते। नमस्कार, बीएसएन नेशनल न्यूज की टीम आज फरीदाबाद के गांव फतेहपुर चंदेला में आई हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि गांव का कितना विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास के नारे फेल होते नजर आ रहे हैं, जो कि यह एक जाटा बहुल्य क्षेत्र है। और यहां पर आप गंदगी के ढेर देख सकते हैं, गली की हालत बहुत ख़राब है। और मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जाटा चौपाल है। और यहां पर यहां के लोगों से हम जानेंगे कि यहां की स्थानीय समस्या क्या है। क्या नाम आपका? मेरा मनोज कुमार है। यहाँ की जो मूल समस्या है वो क्या है? मूल समस्या तो सर हमारे यहाँ सीवर पानी और इसकी है ही है, गलियों की तो बहुत बुरा हाल है। आपके सामने आप देख अगर दिखाना चाह सकते हो तो दिखा सकते हो, ये देख लीजिए। क्यों हमारा शुरू से ही यही माहौल रहा है इस गलियों का। जैसे कि पहले कांग्रेस से उम्मीद थी काफ़ी, लेकिन कांग्रेस काल में भी ऐसा कुछ हमारे इस गली का, हमारे जाटा मोहल्ला का कोई कभी कुछ नहीं हुआ। तो हमने उसके बाद जब वोटें दी तो बीजेपी को दी, इसी वजह से दी कि हम अपनी इन समस्याओं से निजात पा लें। लेकिन उसके बाद भी हमारा बीजेपी से भी विश्वास सा ऐसा उठता जा रहा है कि हमारी जो समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। जो ये चौपाल है, ये कितने साल पुरानी चौपाल है? चौपाल हमारी 40 से 45 साल पुरानी है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने कई बार इसके लिए एजेंडा उठाया है कि या तो इसे तोड़ के बनाया जाए या इसे रिपेयरिंग वगैरह करें। तो हमारी तो अभी तक तो कोई ऐसी पहल कहीं भी किसी भी सरकार से नहीं हो पा रही। जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, हाँ जी, उन्होंने आज तक यहाँ की सुध ली? नहीं, सुध तो लेते हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते। और स्थानीय जो विधायक है वो क्या कहती हैं? विधायक जी तो खैर बात ही नहीं करते हो, तो कई बार बातचीत कुछ ऐसी आ जाती है कि अगर जैसे पीछे भी हमारा ट्वेल ख़राब हुआ, ट्वेल के लिए हम वहाँ गए, जाने के बाद हमें उनसे क्या जवाब मिलता है, वो ये कहते हैं अगर कृष्ण पाल ने आपका ये लगवाया है ट्वेल्थ तो कृष्ण पाल ही सही करवाएगा। हमने यहाँ पर देखा है कि रोडों की और यहाँ की गलियों की इतनी खस्ता हालत है जी, और नालियाँ भरी हुई हैं जी। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ वो दिखाएं जी, कि यहाँ पर नालियों का और यहाँ के रस्तों का इतना बुरा हाल है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं लिया है? कोई नहीं है जी, सिर्फ देख के आते हैं। जो भी आते हैं हम कंप्लेंट करके आते हैं, जो भी आते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। एज इट इज़ वो आपके सामने ही है सब कुछ। नगर निगम के लोग क्या कहते हैं? नगर निगम में कभी शिकायत दी इसकी? नगर निगम में उससे पहले भी कई शिकायत दी, लिखित रूप में भी है हमारे पास, पुरानी रिपोर्ट भी हम दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती हमारी। ना नगर निगम वाले सुनते, ना नेता सुनते, ना कोई नहीं सुनता। जब चुनाव आता है तो आप लोग किस आधार पर अपने वोट का प्रयोग करते हैं? आधार तो हमारा यही होता है कि हमारे अपना जैसे गली मोहल्ला है, पूरा गाँव है, उसकी साफ सफाई और तौर तरीके बदले जाएं ताकि हम इससे निजात पा लें। कितने साल पुराना गांव है ये? हमारा तो काफ़ी साल पुराना है, क्यों मेरी उम्र ही 40-42 साल की होगी। हमारा बचपन यहीं गया, हमारे बाप दादाओं का बचपन यहीं गया। कौन से समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे? हम वैसे तो गुजर समाज ज़्यादा है हमारे यहाँ, गुजर खाती और वाल्मीकि समाज और हमारा जाटव समाज, चार कौम हमारे गाँव में है। यहाँ से पार्षद कौन है? हमारे यहाँ सतीश पार्षद जी। कितने साल हो गए उन्हें पार्षद में? पार्षद जी को 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ की हालत देख सकते हैं आप। 15 साल में जो विकास हुआ है, ये विकास आपको नजर आ रहा होगा कि 15 साल में ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो फेल होता नजर आ रहा है? हाँ, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी हमारी गलियाँ वगैरह, हमें तो जो छोटा सा ही मोहल्ला है और उसमें यहाँ से यहाँ तक दिक्कतें है ही हैं। आने वाले समय में आप अपने नेताओं को क्या सबक सिखाओगे? आने वाले समय में हम अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम अपना प्रतिनिधि कोई और चुनेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।